हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा। भारत का सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी इंजीनियरों का स्वागत है। तो गुड न्यूज़ है, जो भी कैंडिडेट 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा डिग्री है, सभी लोग के लिए वैकेंसी निकल के आई है। टोटल सीट 1770 पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है, 1770 पोस्ट, समझ रहे हो ना कितना बड़ी भर्ती है। ठीक है, बहुत बड़ी भर्ती है। यह 3/5/2023 को ये पीडीएफ जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से, जो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, यहाँ पर देख सकते हैं इसका अपना वो लोगो लगा हुआ है। उसके बाद से हम लोग बात करने, पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है, सब चीज़। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो भी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है, सबसे ज़रूरी बात ये है। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा सर ये सरकारी है या अर्ध सरकारी है या सेमी गवर्नमेंट है, मतलब बच्चा कमेंट करने लगता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, कुछ नहीं, सिर्फ सरकारी है। वो भी कहाँ रहिएगा, किसके अंडर में रहिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में रहिएगा, आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑनलाइन। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, ओके, ऑफलाइन फॉर्म को नहीं भरना है, ओनली यहाँ पे ऑनलाइन ही फॉर्म को आप लोगों को भरना है। अब देखिए फॉर्म ये भराना कब से स्टार्ट होगा, 9/6/2023 से स्टार्ट हो चुका है। ओके, क्लोजिंग आप लोग का 30/6/2023 रहने वाला है। टेंटेटिव डेट आप लोग का बता देगा PET या PSI आप लोग का 18/8/2023 के बीच में, आप लोग का आसपास में, इसी के आसपास में आप लोग का एग्जामिनेशन जो है 26/11/2023 के आसपास में ले लिया जाएगा। यहाँ पे सब चीज़ पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया गया। ओके, आप चलिए बात करते हैं जो पोस्ट है, मेन चीज़ यहाँ से आप लोग देख लीजिए। अब पोस्ट स्टार्ट हो गया आप लोग का, यहाँ देखिए सबसे ज़रूरी बात ये था कि आपका डेट कब से कब है, ताकि बच्चा कमेंट ना करे कि सर ये फेक है। ओके, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो जाकर साइबर से। ओके, अब चलिए बात करते हैं जो वैकेंसी निकल के आई है। कांस्टेबल AAPBN, ठीक है, उसके बाद सिविलियन पुलिस में, उसके बाद से IRBN, यहाँ पे देख लीजिए टोटल संख्या यहाँ पे काउंट करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का लास्ट में जो है टोटल संख्या यहाँ पे दिया गया। उसके बाद से कांस्टेबल, फायरमैन के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, देखिए यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, दो जगह देखना है आपको, यहाँ सीरियल वाइज यहाँ पे देख लीजिएगा कितना सीट है। ओके, टोटल सीट मेरा कितना है। मेलवा असिस्टेंट के लिए 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आप लोग का सैलरी रहने वाला। इसके बाद से यहाँ पर दो सीट है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद से नीचे आते हैं तो MTS में ITI वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। ITI पोस्ट को मैं दिखा देता हूँ कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। ये देख रहे हो ना MTS, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, ये देख रहे हो ना, ये आप ही लोग का है। IIT वाले फॉर्म को भरेंगे, 10th पास है, ITI है, एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद से देखोगे MTS यहाँ पर हाइड्रो पावर, पावर यहाँ डेवलपमेंट के लिए, पावर के लिए पब्लिक वर्ड डिपार्टी PWD में। उसके बाद से सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्यूटेशन के लिए डिपार्टमेंट में। उसके बाद से एग्रीकल्चर में आ गया है, डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल्स में, होम में, यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, कितना सीट कितना है। उसके बाद सब में होम यहाँ पर दिया। उसके बाद से यहाँ पर रिसर्च में देखिए, उसके बाद से यहाँ पर वोमेन चाइल्ड में, डेवलपमेंट में, इस सब के लिए वैकेंसी निकली हुई है, बम्फर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल सीट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वाटर कैरियर में, वाटर यहाँ पे सिविल पुलिस में, वॉचमैन आप लोग का, स्वीपर के लिए, यहाँ पर देखिए टोटल सीट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए एक मिनट, 1770 पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे आप लोग का फिजिकल क्या रहने वाला। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे हाइट वेट आप लोग कितना मांगा गया वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आप लोग का मिनिमम होना चाहिए। ओके, ऑल कैटेगरीज है आप लोग का, ये आप लोग का नॉर्मल है, मतलब 84 एक्सपेंशन, मतलब ये आप लोग का होना चाहिए चेस्ट वेस्ट आप लोग का जो एक्सपेंड करने के बाद। ओके, उसके बाद से आप लोग देख लीजिएगा इवेंट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग रेस के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, 100 मीटर 6 सेकेंड आप लोग को, उसके बाद से 19 सेकेंड इनको मिलेगा। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया, पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं Level 3, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग का 21,700 से लेकर 17,100 के बीच में आप लोग का जो बनेगा। एज आप लोग का 18 से 22, ये मिनिमम से मैक्सिमम रखा गया UR के लिए है, अदरवाइज आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कंटेनमेंट कंडीशन को, इंस्ट्रक्शन को देखते हुए आप लोग को छूट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th पास हो, ITI हो, देखो यहाँ पे
ओके, यहाँ पे आप लोग का दिया गया, यहाँ पे आप लोग का ये दिया गया अदर क्वालिफिकेशन और मेल फीमेल के लिए कितना हाइट वुट वो सब चीज़ दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे अपना देख लेना, उसके बाद से यहाँ पर देख लेना ये फायर मैनेजमेंट के लिए लेवल टू में रहेगा, 19,900 से लेकर 3,200 के बीच में आप लोग का रहिएगा। मैं आई टी वाले को मैं लेके चलता हूँ डायरेक्ट। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर आप लोग का लेवल टू का सैलरी मिलेगा। यहाँ पे आइए अब आईटीआई के लिए, ठीक है। एमटीएस जो आप लोग का रहने वाला ये पोस्ट देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग का यहाँ पे ये लेवल वन में आप लोग का रहिएगा, 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आप लोग का सैलरी, ठीक है। एज आप लोग देख लीजिए 18 से 35, ये मिनिमम से मैक्सिमम रहेगा। ओके, ऐसा नहीं समझिएगा कि बस ये सबके लिए कैटेगरी ये नहीं है, मिनिमम से मैक्सिमम आप लोग का ये मतलब यूआर के लिए है। अदरवाइज़ अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको छूट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 10th पास है आईटीआई की इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट से एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पे ये बात लिखा गया साफ साफ। ओके, उसके बाद से यहाँ पे देखोगे नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि यहाँ पे पैसा कितना देना है, ठीक है, आप लोग को कितना पे करना होगा, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया कि आप लोग का 150 रुपया आप लोग का लगने वाला है। अगर आप लोग मतलब कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को पैसा नहीं देना है। ओके, नीचे आइएगा तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग का एग्जामिनेशन शेड्यूल बताया गया कि आप लोग का जो आप लोग का पोस्ट कोड है उसके हिसाब से आप लोग स्टेज वन स्टेज टू आप लोग का होने वाला है। वो चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। स्टेज वन में आप लोग का तो फिजिकल PST होगा, ठीक ना, जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग मेल है फीमेल है तो उसके हिसाब से आप लोग का वो दौर होगा, हाइट वेट ये सब चीज़ नापेगा। दूसरा में आइएगा स्टेज टू में तो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 300 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन रहेगा, वो सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ओके, एक मिनट देखिए, यहाँ पे इंग्लिश से आप लोग का रहेगा तो इंग्लिश से आप सिलेबस आप लोग का एडिशनल टेस्ट कंसीडर अंडरस्टैंडिंग्स एंड यहाँ पर कंप्रेशंस इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चंस वोकैबुलरी यहाँ पे ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चरल सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेक्टर ये सब चीज़ वॉइस इनवॉइस ये सब चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक्टिव पैसिव सब चीज़ रहेगा इसमें, लिखा नहीं है लेकिन रहेगा ही रहेगा। ओके, उसके बाद से एलिमेंट्री मैथ आप लोग का यहाँ पर मैथ में देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग का सिलेबस दिया गया, ठीक ना, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी विल बी कवर, यहाँ पे कवर नंबर सिस्टम्स इंक्लूडिंग से क्वेश्चंस ऑन द सिंप्लीफिकेशंस, यहाँ पे डिक्लाइमर्स डाटा इंटरफेसेंस फिक्शंस मतलब कि LCF HCF LCF रेशियो प्रपोजल्स परसेंटेज एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सिंप्लीफिकेशन कंपाउंड इंटेंस मेंशुरेशन टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस टेबल एंड ग्राफ्स, ये सब चीज़ क्वेश्चन आपका आने वाला है। ये सिलेबस आप लोग का ऑल ओवर सबका सबके लिए यही है, ठीक ना। जनरल नॉलेज में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आप लोग दिखाता हूँ। क्वेश्चन विल बी द डिजाइनेड टू बी द टेस्ट एबिलिटी एंड कंसीडर जनरल नॉलेज टू ऑफ द एनवायरमेंटल अराउंड, यहाँ पे आप लोग का सोशल साइंस जो भी पॉलिटिकल हो गया आप लोग का हिस्ट्री हो गया साइंस हो गया रिसर्च हो गया नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इट इज स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन में ऑल्सो बी द आस्क्ड, ये सब चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो सेंट्रल लेवल से है ये स्टेट लेवल से अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन ज़्यादा टच करेगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ही ये भर्ती है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर कैटेगरी बांट दिया गया कितना परसेंट कम से कम लाना होगा, 33% ये सब यहाँ पर दिया गया। उसके बाद से स्टेट थर्ड में आइएगा तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा आप लोग का। ओके, PST PET होने के बाद तो और कुछ दिया नहीं गया है, जो भी चीज़ यहाँ पे था देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट कोड के हिसाब से आप लोग का यहाँ पे एज लिमिट आप लोग को आरक्षण जो मिलेगा आप लोग को छूट मिलेगा वो चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद से आरक्षण जो मिलेगा यहाँ पे 3 साल 5 साल 10 साल जो भी चीज़ होगा आप लोग को यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप लोग का सेंटर यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सेंटर यहीं पे बनाया गया आप लोग का पूरा टोटल सेंटर आप लोग का 3, 6, 9, 3, 4, 12 सेंटर बनाया गया, आप लोग इसी जगह फॉर्म को भर सकते हैं, आसपास अपना देख लीजिएगा। ओके, और कुछ दिया नहीं गया, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।